दिल्ली की बात करेंगे जहां प्रदूषण में मामूली सुधार देखने को मिला है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है और दिल्ली सरकार कोर्ट को प्रदूषण पर लिए गए कदमों के बारे में जानकारी देगी कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से। दिल्ली में आज से स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है, तो वहीं आज से सरकारी कर्मचारी भी घर से ही काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जो है वो लागू की गई है। एक हफ्ते के लिए प्रदूषण के मद्देनजर ये फैसला सरकार ने लिया है, साथ ही एक हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में आज प्रदूषण में मामूली सुधार भी नोट किया गया है, साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है प्रदूषण के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी दिल्ली सरकार को, जिसके बाद फैसला लिया गया और अब इस प्रदूषण के मद्देनजर क्या कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं इनकी जानकारी, इनके बारे में कोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से एक खाका दिखाया जाएगा कि क्या कुछ कदम हमने उठाए हैं फिलहाल प्रदूषण के मद्देनजर, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए, बच्चों के लिए परेशानी का सबब है। खासतौर पर सांस लेने में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे एक हफ्ते के लिए, साथ ही स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली में आज से सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, तो दिल्ली सरकार की ओर से ये कुछ कदम है जो कि उठाए गए हैं प्रदूषण के मद्देनजर। गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र बने हुए हैं लगातार, राजेश खत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से सीधा लाइव गुरुग्राम से। मैं सबसे पहले देवेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर मौजूदा स्थिति है, गुरुग्राम में भी हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यहां पर भी स्थिति काफी खराब है। दिल्ली सरकार को आज बताना है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आखिर क्या कदम उठाए। स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है, सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। अगर हम फिलहाल गुरुग्राम की बात करें, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या नोट किया गया है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में फिलहाल सुधार देखा गया है। देखिए बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गुरुग्राम का अब बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि दीपावली के बाद से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि लगातार जो पराली को लेकर एनजीटी की तरफ से लगातार कहा गया है कि पराली जलाना बंद करें, कूड़ा करकट जलाना बंद करें, और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्शन लिया और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। चलिए ठीक है, देवेंद्र लौटेंगे आपके पास, आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजेश का रुख करेंगे, राजेश सोनीपत की क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर? अच्छा बिल्कुल, देखिएगा अब हम दिखा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो सोनीपत में आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कुछ बच्चे जो है जिनको जानकारी नहीं मिली थी वो आखिर स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक लड़की है अभी अभी स्कूल में देखो आई है। बिल्कुल सरकारी स्कूल है और यहाँ पर हम खास तौर से ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था, तो 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए थे। अब हम थोड़ा अंदर दिखा देते हैं ले जाकर, जिन बच्चों को सूचना नहीं मिली तो आखिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब ये बच्चे जो है वापिस लौटने वाले हैं, यहाँ पर दो टीचर भी जो है आए हुए हैं, इनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। आप इधर आइए जी, चौकीदार हो आप यहाँ पे? अच्छा, क्या नाम है आपका? बलवंत जी। अच्छा, आज स्कूल खुले हैं या बंद है? मुझे मार को कोई सूचना नहीं मिली। हाँ ना जी, और हमने तो सफाई करनी है, चाहे कोई कोई सूचना मिली ना। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि इनको सूचना नहीं मिली है, यहाँ पर और भी है स्कूल के अंदर है, जैसे सफाई चल रही है अभी, पूछ लेते हैं। आज तो स्कूल बंद करने की बात थी। अच्छा, स्कूल बंद है ना आज है जी? छुट्टी है स्कूल की। तो अच्छा, स्कूल की छुट्टी है, तो अभी एक लड़की आ गई, पूछो ना उससे। आज इस तरह से बताया जा रहा है कि आज स्कूल की छुट्टी है, लेकिन कुछ बच्चों को जो है सोनीपत में प्रदूषण काफी बढ़ रहा है, तो स्कूल बंद करने के आदेश जो है सरकार की तरफ से दे दिए गए। राजेश, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार ने आदेश भले ही दिए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो पा रही है धरातल पर, वो फिलहाल जरूर चिंता का विषय बनी हुई है। लौटेंगे आपके पास राजेश, हमारे साथ देवेंद्र भी हैं लगातार बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में क्या कुछ कर रही है सरकार, क्या कुछ कर रहा है प्रशासन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और प्रदूषण के चलते जो हालात पैदा हो रहे हैं उन पर काबू करने के लिए?
देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 को पार कर चुका था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पेड़ों पर छिड़काव शुरू किया गया, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आप किसी भी तरह से प्रदूषण पर नकेल कसे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से भी, क्योंकि दिल्ली NCR से लगता हुआ तमाम इलाकों में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है कि जो हवा है वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि स्कूलों को बंद रखा जाएगा 3 दिन के लिए। और इन निर्णयों के साथ, क्योंकि जो बच्चों को काफी दिक्कत थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कह चुका था कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए काफी खतरनाक ये हवा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस हवा में जहर घुला हुआ है और लगातार जो सफेद प्रदूषण की चादर है वो लगातार पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए थी, और इसके बाद से लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन, तो ये परिस्थितियां बनी हुई थी। और इसी चीज को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया कि फिलहाल जो कोशिश की जाए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने घर बैठकर काम करेंगे, तमाम पहलुओं के बीच निर्णय लिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट जरूर देखने को मिली है। क्योंकि ट्रैफिक कम रहेगा तो निश्चित तौर पर PM2.5 और 2.10 की भी कमी देखने को मिलेगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी जरूर देखने को मिलेगी। और ये निर्णय कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है 7 दिन का निर्णय, और इसके बीच हरियाणा सरकार की तरफ से भी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है तमाम बातों को ध्यान रखते हुए, तो इस पर कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिलेगा प्रदूषण। देवेंद्र, लेकिन एक खास बात यह है कि प्रदूषण की स्थिति जब भी खराब होती है, खासतौर पर जैसे ही सर्दियां पास आती है, सर्दियों की शुरुआत होती है, तो एक राज्य दूसरे राज्य पर ठीकरा फोड़ने लगता है। क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली की ओर से कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते प्रदूषण का लेवल जो है, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अभी हाल ही में अनिल विज की ओर से भी बयान दिया गया था कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो अन्य स्थितियां हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है उन पर कंट्रोल करने की, उन पर काबू पाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ऐसे कैसे प्रदूषण कम होगा? अगर हरियाणा सरकार की भी बात करें, हरियाणा सरकार की ओर से क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है? देखिए बिल्कुल राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर धरातल पर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उस पराली के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पराली को लेकर लगातार सरकार की तरफ से जो टीमें गठित की गई है वो लगातार चालान कर रही है, और यही नहीं, किसानों की पराली को सीधा खरीदा भी जा रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात तो है निश्चित तौर पर कि जो जिस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन तौर पर कुछ किसान अभी भी ऐसे हैं जो पराली को आग लगा देते हैं, तो जिसके चलते इस तरह की परिस्थिति बनती है। लेकिन ना केवल पराली ही, बल्कि ये ट्रैफिक का बढ़ता दबाव भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे देवेंद्र, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, और मिलजुल कर लोगों को भी सरकार का पूरा सहयोग करके इस प्रदूषण पर काबू पाना होगा। लौटेंगे आपके पास हम एसएस राजेश खत्री हैं। राजेश, जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई, जिस स्कूल के पास आप मौजूद हैं, वहां पर पूरी तरीके से जानकारी न छात्रों को है ना वहां के कर्मचारियों को है, जो सोनीपत के अन्य स्कूल है वहां पर किस तरीके की इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा बाकायदा शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी को SMS और WhatsApp करके जानकारी दे दी गई थी, और कुछ फोन भी कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रात को जिस तरह से जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जैसे जो WhatsApp और ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको जानकारी शायद नहीं मिल पाई है, और वो स्कूल की तरफ उनके बच्चे जो है सुबह सुबह पहुंच गए हैं, ये कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम बता देते हैं कि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, सोनीपत जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी पराली जलाने वाले किसान हैं या और तमाम तरह के निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंध किया गया है, वो नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है स्कूल जो है वो बंद रहेंगे ताकि बच्चे प्रदूषण से बच सके, और स्पेशल टीमें जो है शिक्षा विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त कर दी गई है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र जो है
ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान पराली जलाते हैं उन पर नजर बनाकर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्कूल खोलता है तो उस पर भी शिक्षा विभाग की नजर रहने वाली है। कोशिश प्रशासन की यह है कि ये जैसे ये तीन दिन है इन पर सख्ती से की जाए ताकि बिल्कुल स्कूल बंद करने का फैसला जो है वो आदेश जो है वो सरकार की ओर से दिया गया है, कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो भी रहा है लेकिन ज्यादातर हिस्सों में अभी तक भी स्थिति सुधार लेती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल के बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट तमाम जानकारी के लिए।